आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिव की नगरी में पधारे। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया और आम सभा लेकर उनके पक्ष में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शुक्रवार स्थित गांधी चौक का ये नज़ारा, गांधी चौक में शिवराज सिंह चौहान की सभा दोपहर में यहाँ पर संपन्न हुई और शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान आज भी लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं इस बात की एक वानगी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री नहीं है पर उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी दिख रही होगी। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए लोग किस तरह यहाँ पर आपको उत्साहित दिख रहे हैं, उत्सुक दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये एरो दिख रहा होगा, उस प्रत्याशी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यहाँ पर ढक दिया गया है, जिसे लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चाएं चलती रहीं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। भाजपा प्रत्याशी के चेहरे पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, भाजपा प्रत्याशी के चेहरे पर झंडा ध्वज दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक चर्चाएं हैं कि आखिर ऐसा सिवनी में क्यों किया गया। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है सिवनी और सिवनी में आखिर ऐसा क्यों किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान का स्वागत के लिए लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जलजला जलवा आज भी बरकरार है। विधायक दिनेश राय ये कहते हुए भी नज़र आए कि उनके लिए मुख्यमंत्री वे ही हैं जो दिख रहे हैं। आइए हम सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान, जनता से उनके द्वारा क्या कहा गया। मैं काफी लेट हूं और आगे भी आज कई कार्यक्रम मंडला लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन सिवनी के बिना मेरा चुनाव प्रचार पूरा नहीं होता। सिवनी वालों, बहुत इच्छा थी कि एक बार आपको जी भर के देखूं, चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपसे मिलने आना था। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ढाल सिंह विसेन, जो एक आदर्श कार्यकर्ता भी हैं, कि आपकी सेवा करके इस पसीने की कीमत चुकाने की कोशिश करेंगे। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आज के दिन ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा नहीं है। मैं भी उस समिति में था, 15 लाख सुझाव जनता के बीच से आए हैं, उन सुझाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बना, संकल्प पत्र बनाया है। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है और ये मोदी जी की गारंटी भी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में देश का मान नहीं था, सम्मान नहीं था, भारत जाना जाता था घोटालों के देशों के रूप में। मैं उस समय जब मुख्यमंत्री था दुनिया के कई देशों में गया, अगर हम निवेश के लिए कहीं जाते थे
तो लोग कहते थे इंडिया में काय का निवेश, वहां पे घोटाले घोटाले हो गए। लेकिन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने बनते क्या दिया कि देखो भाई हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। अब वो काम गिनाने का आज वक्त नहीं है, लेकिन सिवनी वाले गवाह हैं, सांसद जी है, विधायक जी है, हमारे पूर्व विधायक जी भी, कमल भी है सही। खेलते रहो कमल। वैभव पवार जी हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष, राजेश तो रहते ही पीछे है क्या कहते हैं, और मेरी बहनें भी हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर, मेरे का समय की सीमा है। सुना आपने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा गया, हमने आपको ये जानकारी दी, आपको ये बताया, और भीड़ भी आपको दिखाई दे रही होगी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार यहाँ नहीं है, पर सिवनी की भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और शिवराज सिंह चौहान किस कितने लोकप्रिय हैं ये बात भी आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद। हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय करते हुए निकलेंगे, उस समय युद्ध विराम।